सो हेलो गाइस, मैं इमरान सर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन एकेडमी पर। सो फाइनली आज की इस वीडियो में, जैसे कि आपने देखा डिटेल वीडियो में, हमने दशमलव भिन्न बोल सकते हैं डेसिमल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को, उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे बोल सकते हैं डेसिमल फ्रैक्शन के टाइप थे, सभी को अच्छे से क्लियर कर लिया है। तो अब टाइम आता है हमारे पास उसके ऊपर पी वाई केस बोल सकते हैं, सुपर टेन में कैसे क्वेश्चन उसके बनते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। सो टॉप 10 क्वेश्चन की ये सीरीज काफी यूजफुल रहने वाली है सुपर टेट के एग्जाम्स के लिए। सो बिना टाइम को वेस्ट किए सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं टॉप 10 की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर वन, जो कि आपको अच्छे से डिस्प्ले भी हो गया, क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है 0.33 इस पर बार है प्लस 0.67 इन दोनों पर बार है इक्वल में क्वेश्चन मार्क, क्या हमारे पास आंसर आने वाला है। चारों ऑप्शन आपको अच्छे से डिस्प्ले हो रहे ना, तो स्टूडेंट क्या करते हैं डायरेक्टली इन्हें ऐड कर देते हैं 3 और 7 10 0 6 और 3 9 और 1 0 कुछ इस तरीके से ऐड कर देते, जबकि ये तरीका रॉन्ग है, बिल्कुल ऐसे ऐड नहीं होगा, ध्यान रखना ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होगा। कभी आप वन वाला ऑप्शन करेक्ट कर दे, कैसे करते ध्यान रखना है, दो डिजिट पर हमारे पास बार है ना, तो 33/99 प्लस 67/99 जितनी डिजिट पर बार है तो उतने 99 नीचे लिखते। मैंने इसकी डिटेल वीडियो में आपको टॉपिक बता दिया था, अच्छे से ऐड करते कितना है 100/99 ठीक है, डिवाइड कर लेंगे या फिर इसे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1/99। अब आपको पता है 1/9 एक सही 1/99। अब इसे कैसे लिख सकते हैं, एक तो आएगा ही आएगा, उसके बाद डेसिमल में जो भी आएगा कैसे आएगा, नीचे दो नाइन ना, दो नाइन कब आते हैं जब ऊपर दो डिजिट पर बार था तो दो नाइन आए, 3/3 पर दोनों पर बार था तो दो बार नाइन आया, तो यहां पर दो बार नाइन इसका मतलब दो डिजिट पर बार होगा, दो डिजिट बना लेते 0 और 1 ऐसा कोई ऑप्शन है इसके लिए। यस देखो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इसी के ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बेस्ड है। क्वेश्चन में बोला क्या गया है 9/7/20 नो से ही 7/20 को दशमलव दो दशमलव में व्यक्त कीजिए, मतलब दो डेसिमल डिजिट आनी चाहिए 9/7/20 नो से ही 7/20 तो नो तो आने वाला, उसके बाद पॉइंट में 7/20 सात को 20 से भाग देना है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं 0.0 मतलब एक डेसिमल लगा के 0 तो आ गया 70 हो गया मेरे पास, कितना आएगा 2/3 20/3 60 होगा हमारे पास, 10 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0.25 मतलब 35 आने वाला है, डेसिमल की दो डिजिट फाइंड करनी थी 9.35 हमारे पास ऑप्शन होगा। यस देखो उसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास क्या गिवन है, थर्ड में यहां पर बोला गया है 0.3 मीटर ठीक है 0.3 मीटर की कौन सी दशमलव भिन्न 6 सेंटीमीटर होगी, इसकी कौन सी डेसिमल भिन्न 6 सेंटीमीटर होगी। इस टाइप क्वेश्चन को ऐसे लिखना है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है बहुत अच्छे से इसे सेंटीमीटर को ही रहने देते हैं, या हाँ इसे सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं, नीचे वाला थोड़ा आसान होगा हमारे पास। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, पता होगा ये कॉन्सेप्ट तो आपको, पॉइंट हटाएंगे 1 0 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 6 2 जा 32 बचा, नीचे 10 बचा, 2 1 जा 2 2 5 जा 10 यानी 1/5 इसके लिए, इसके लिए ऑप्शन हो गई 1/5 का तो कोई ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं डिवाइड कर लेते हैं 2/10 था ना, मतलब नीचे 1 0 है एक डिजिट के बाद पॉइंट 0.2 तो होगा, डिवाइड करेंगे तब भी ये आएगा, समझ में आ गया ना कैसे करना है, ये चीज ध्यान रखना कैसे लिखा है मैंने। उन्होंने बोला है कौन सी दशमलव भिन्न 6 सेंटीमीटर होगी, 6 सेंटीमीटर ऊपर लिखेंगे, कौन सी दशमलव नीचे लिखेंगे, और हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आगे, इसके लिए ऑप्शन देखो कौन सा फर्स्ट ही करेक्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्या है। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या दिया गया है, फोर में देखो क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है 0.25 समतुल्य है, 0.25 के एक जैसा कौन सा होने वाला है, 0.5 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे, ध्यान रखना है पॉइंट हटाने के बाद जितनी पॉइंट के बाद डेसिमल डिजिट होती है 1 2 तो 2 0 आ जाएंगे, जहां पर कुछ नहीं होता 1 होता है, 25/100 25/1 जा 25 25/4 जा 100 1/4 के लिए सी ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन इसके और ऑप्शन भी देखो क्या बोला है, यहां पर बोला गया 2/8 फर्स्ट ऑप्शन में, 2/8 2 1 जा 2 4 जा फर्स्ट ऑप्शन भी तो यही है, बी ऑप्शन में कितना दिया है, बी ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया 1/2/8 तो दिया था, यहाँ पर क्या दिया भाई वाला 2/8 तो हमारे पास फर्स्ट में दिया है, सेकंड हमारे पास 3/12 दिया है, बी ऑप्शन में 3/12 3 1 जा 3 3 4 जा 12 यानी 1/4 यहां पर भी दिया है बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन भी 1/4 है, मतलब तीनों ऑप्शन तो ठीक ही है, डी ऑप्शन में बोला उपयुक्त सभी, तो इसका डी ऑप्शन इसलिए करेक्ट है, ये भी करेक्ट है लेकिन यहाँ वाला बिल्कुल ओके है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में हमारे पास क्या बोला गया है, फिफ्थ में बोला गया मिक्स फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट वही दे दिया, यानी 1/11 दिया, मिक्स फ्रैक्शन नहीं फिर फ्रैक्शन है हमारे पास, 1/11 किसके बराबर है, 1/11 हमारे पास किसके इक्वल आएगा, चारों ऑप्शन डिस्प्ले हो रहे देखेंगे, डिवाइड करेंगे किसके इक्वल आ रहा है, आराम से हम डिवाइड करके भी देख सकते हैं, नॉर्मली डायरेक्टली देख हम कैसे बताएंगे, नहीं नॉर्मली डिवाइड ही करेंगे, डिवाइड करते हैं थोड़ा सा इजी भी रहेगा आपके लिए, 1 को डिवाइड करना है हमारे पास किससे 11 से,
जीरो लिखेंगे, पॉइंट लगा कर डेसिमल 10, लेकिन अभी भी ये छोटा रह गया, एक डेसिमल जीरो लगाते हैं, एक और हमारे पास जीरो आ जाएगा, 0.0 तो आ ही गया है। 11 का टेबल पढ़ो, 11 9 जा 99, ठीक है, वन रिमेन, 11 9 जा, फिर क्या आएगा, डेसिमल लगा हुआ, एक जीरो लिख लेंगे, लेकिन एक और जीरो चाहिए तो एक जीरो हमें यहाँ पर नोट करना पड़ेगा ना, तो 11 9 जा 99, सेम वही कॉन्सेप्ट, 0909 रिपीट होता रहेगा बार बार, 0909 आ रहा है ना, तो देखो बार बार लिख रहा है, तो उसे क्या करते हैं रोकने के लिए क्या लगा लेते हैं इसके ऊपर, बार लगा लेते हैं जो भी चीज रिपीट होती है, तो 0.09 इसका आंसर होगा। ऐसा कोई ऑप्शन है यहाँ पर? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, डिवाइड आपको समझ में भी आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ पता होना चाहिए, बोला 25 का शतांक बराबर है, मैं आपको बताऊं शतांक बोलते किसे, मतलब 25/100, शतांक का ध्यान रखना, अपॉन में 100 आएगा, इसको किसके इक्वल आएगा, दो जीरो है ना, दो डिजिट के बाद पॉइंट, एक डिजिट दो डिजिट, दो डिजिट के बाद 0.25 इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन हमारे पास सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या बोला है, यहाँ बोला है 2.75, शतांक वाला कॉन्सेप्ट समझ गए, उसी से रिलेटेड ये भी कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर बोला है इसको 2.75 का साधारण भिन्न कौन सी है, ऑप्शन हमारे पास सभी डिस्प्ले हो रहे हैं, तो कैसे करेंगे, पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद दो डिजिट है, दो जीरो लगा दो, जहां पर कुछ नहीं होता वन होता है, तो 275/100, 5 के टेबल से भी काट लो, 25 से भी काट लो, जैसे मन करे वैसे डिविजिबल कर सकते हैं, 25 1 जा 25 25 1 जा 25 4 जा 11/4, जैसे दिल चाहे वैसे 25 से कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, जो आपको बेटर लगेगा, इसके लिए ऑप्शन देखो बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब 8 क्या दिया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 अब तक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं, यहाँ पर बोला गया है देखो डेसिमल डिजिट थोड़ी सी लेंथी दी है, क्या बोला 0.073 0.073 59, ठीक है ना, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला क्या गया है, मैं 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 हमारे पास डेसिमल वाला है, डेसिमल वालों के लिए बता दूं मैं आपको, 0 लिखा है ना तो 10 से डिवाइड करना शुरू कर दो, 7 है दूसरे नंबर पे तो 2 0, 3 तीसरे नंबर पे तो 3 0, 1 2 3, उसके बाद क्या है हमारे पास 5 है, 5 के बाद कौन से नंबर पे 1 2 3 4, 4 0, 9 हमारे पास कौन से नंबर पे 5वें नंबर पे तो 5 0, तो डेसिमल हमें स्थानीय नाम मान किसका बताना है, 3 का बताना है, 3 0 है, 3 डिजिट के बाद पॉइंट, 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट, ये इसके लिए ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, देखो उसका ऑप्शन नहीं, यही वाला केस दिया है, सी ऑप्शन बिल्कुल ओके है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में 0.125 सारे क्वेश्चन डेसिमल बेस्ड है, इसी की मैंने डिटेल वीडियो कराई है, इसके ऊपर क्वेश्चन है और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन की सीरीज भी आपको मिलती रहेगी, 0.125 के बराबर भिन्न चुनिए, इससे रिलेटेड कौन सा ऐसा भिन्न है जो यही डिवाइड करने पर यही आंसर आएगा, अभी मैंने बताया था डेसिमल हटाएंगे, जहां पर कुछ नहीं होता वन होता है, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 1 2 3, 3 0 लगा देंगे, 125 अपॉन में 1 0 0 0, डिवाइड करेंगे, चाहे तो आपका मन करे 25 से कर लो चाहे डायरेक्ट कर लो, 125 1 जा 125 8 जा, ये भी आंसर है, दोबारा कर सकते हैं, 25 5 जा 25 चौके, 25 5 125 होते हैं, 25 चौके 100, ये वाला 0 सेम, 5 1 जा 5 5 80 5 8 जा 40, दोनों ही केस में 1/8, यानी कि बोल सकते हैं इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास थोड़ा सा शतांक वाला कॉन्सेप्ट दिया है, क्या है क्वेश्चन नंबर 10 देखो, मैंने क्वेश्चन की काउंटिंग की जगह क्वेश्चन का जो डिजिट दी है वही यहां मेंशन कर दिए, क्या बोला 26, ठीक है 26 लिखा हुआ है, एंड का मतलब होता है प्लस, ठीक है 26 का शतांक मैंने बताया था ना, शतांक का मतलब अपॉन में 100 लगा दो, क्या आएगा सम करने पर, दो डिजिट है कोई बात नहीं, दो डिजिट के बाद पॉइंट लिख लेते हैं, दोनों को प्लस करना है, 26.26 यानी कि 26 ही आएगा, इसके लिए ऑप्शन है हमारे पास, कितना आसान सा क्वेश्चन था, देखने में इतना हार्ड लग रहा है, 26 और 26 के शतांक को लिखा जा सकता है, कौन सा लिखा जा सकता है, बी ऑप्शन बिल्कुल ओके। आई होप सो टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज काफी ज्यादा यूजफुल लगी हो, वीडियो क्वेश्चन अच्छे लगे वीडियो को लाइक करना ना भूला, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।